बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का, एक बार फिर हाजिर हैं। वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं और ऑस्ट्रेलिया का जुलाई इनटेक अब ख़त्म है, अब बात होगी नवंबर इनटेक की। अभी हम जून के पहले दो तीन दिनों में हैं, सो अभी जितनी जल्दी स्टूडेंट नवंबर इनटेक के लिए फाइल लगाएंगे उनके लिए पॉसिबिलिटी है ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट की। लेकिन वीना गोयल मैम कैसी फाइल्स एक्सेप्ट करेंगी नवंबर इनटेक के लिए, इस पर भी आज उनसे जानकारी हासिल करेंगे और नवंबर इनटेक के रिजल्ट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जुलाई इनटेक कैसा रहा, ये तमाम पॉइंट्स वीना गोयल मैम से आज हम पूछेंगे। मैम आपका स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया वीना जी। अब नवंबर इनटेक में इमीडिएटली किस तरह के प्रोफाइल्स आप एक्सेप्ट करेंगे, क्या फ्रेश स्टूडेंट्स, गैप वाले स्टूडेंट्स, कब तक के पास आउट गैप वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं नवंबर इनटेक? सुरेंद्र जी देखो, नवंबर इनटेक बहुत बड़ा इनटेक नहीं होता है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है जी। क्योंकि जुलाई अब खत्म हो गया हुआ है और जो बच्चे अब 24 पास आउट हैं, आइल्स कर लिया है और जो कैरियर कॉन्शियस हैं, जो बिल्कुल टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चे का एक दिन भी नहीं खराब करना चाहते, तो वो सबके लिए नवंबर ऑप्शन बहुत अच्छी है क्योंकि बिजनेस के सारे कोर्सेज, आईटी के सारे कोर्सेज अक्सर मिल जाते हैं नवंबर में, अदरवाइज जो इनका फेब इनटेक है। अब क्या होता है कि जब बच्चे ने फाइल अप्लाई करनी है, सबसे पहले आपने बात की गैप की, तो जो 23 पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा डाउट है कि यूनिवर्सिटीज, अब यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना वो 23 का बच्चा लेना चाहते हैं, क्योंकि जो पीछे माहौल चला था थोड़ा वीज़ा कम आया था तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई और गैप कम से कम ले रही हैं। मास्टर्स का 3 इयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है और कुछ यूनिवर्सिटीज 5 ईयर भी ले लेती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चा जो गैप है वो कैसे जस्टिफाई कर पाता है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट जो है बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके पास रेलिवेंट सारे प्रूफ हैं और उसकी पढ़ाई भी अच्छी हुई है, जॉब भी अच्छा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, फंडिंग अच्छी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो टेक्निकल बहुत है कि फंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर वो सारे हैं तो आपका जो है मास्टर्स के लिए 3 to 5 years का गैप एक्सेप्टेबल है, लेकिन जस्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में जो यूनिवर्सिटी में जाएगी आप लिख के दोगे उसमें प्रॉपर कि ये गैप आप कहाँ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंड कोर्सेज आपको जो है नवंबर में काफ़ी हद तक आपको मिल जाते हैं। जो थोड़े से प्रॉब्लम होती है वो मेडिकल कोर्सेज की होती है, लेकिन मेडिकल के लिए खुशखबरी भी है कि जो इनटेक है नर्सिंग का, वो सबसे बड़ा इनटेक जो है वो होता ही फेब्रवरी में, तो वो बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी ऑप्शन है जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। और जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं बच्चे, तो वो बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को देख लें कि नर्सिंग के लिए सबसे बड़ा मौका है, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो नर्सिंग में जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, एंड अब जो है हमारे पास ये ऑप्शन जो है जुलाई के बाद की हैं, तो आयल्स अपना तैयार रखें। अगर आपने आयल्स पीटी नहीं किया तो नेविगेटर जो है वो आयल्स पीटी टोफल की फ्री कोचिंग है जो हमारे अपने बच्चे हैं जो उन्होंने हमारे साथ एनरोल किया है, और अगर बच्चे बाहर रहते हैं तो हम उनको ऑनलाइन कोचिंग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है कि क्योंकि इतना पैसा स्टूडेंट का खर्च होना है फीस में, तो वो एक हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव समझ लो, तो वो एक बच्चे की सेविंग वहाँ पे हो जाती है। अब जो है फंडिंग का है, बच्चे का 3 to 6 month ओल्ड फंड्स चाहिए हमें, इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी होनी चाहिए, एंड जो कोर्स सिलेक्शन वो एक अच्छा होना चाहिए, अगर आपको 100% वीज़ा चाहिए, वीज़ा आपको 100% चाहिए तो 100% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आप हमारे से जूम काउंसलिंग कभी भी ले सकते हैं, एंड क्योंकि जो हम अपना जो पूरा टाइम आपके साथ देते हैं 1 to 1, बच्चे मिसगाइड ना हो किसी भी हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ये शुरू कर दिया था पैकेज सिस्टम, फीस आफ्टर वीज़ा, जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स चेंज हुए और फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स मिले, इसीलिए एम्बेसी इतनी स्ट्रिक्ट हुई है एंड उन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट, अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, फीस अपने अकाउंट से भरो,
अपने पैसे दिखाओ, आप किसी थर्ड पार्टी पे मत डिपेंडेंट हो किसी भी हिसाब से, अगर आपको अपना प्रोफाइल ठीक चलाना है, प्रॉपर चलाना है। और अगर मान लीजिए आपके पास ऑफर लेटर नवंबर का है, तो आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर सब स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपको किसी और बंदे की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। सो नवंबर इनटेक के लिए जैसे मैंने कहा कि अभी तो जून की शुरुआत है, तो कंफर्टेबली कब तक स्टूडेंट्स अप्लाई करें, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर वो, और जो पिछले हैं प्रीवियस पास आउट, वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं? सुरेंद्र जी, ये है कि पिछले स्टूडेंट्स के पास तो एक दिन भी नहीं है, क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि जुलाई के लिए आया था और उन्होंने उसको डेफर कर दिया, तो मस्ट भी उनके पास चांस आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। 24 के स्टूडेंट्स भी जो अच्छे कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटियों से ख़त्म होने लगते हैं, और जीटी क्लियर करते करते जो है एक डेढ़ महीना दो महीने अब लग रहे हैं, और एम्बेसी जो कहती है वो भी कहते हैं कि डेढ़ से दो महीने हमें भी चाहिए। तो आप ये देख लो, सारा टोटल मिला के टाइम इतना है, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। तो किसी के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसे कोई फिक्स हम डेडलाइन नहीं दे सकते, लेकिन आपका ऑफर लेटर आता है, जीटी क्लियर होती है, वो उसमें डेढ़ से दो महीने लग रहे हैं, और दो महीने के बाद अगर आपने फीस भरी, आपकी COE आई, तो उसी टाइम फाइल लगानी पड़ेगी, क्योंकि एम्बेसी भी आजकल टाइम ले रही है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपका वीज़ा 15 डेज में आ जाएगा, 20 डेज में, अगर आप लकी हैं तो आ सकता है, ऑटो ग्रांट भी आ सकता है, मिनटों में भी आ सकता है अगर आप लकी हैं, लेकिन हर बच्चे का हम ये नहीं मान के चल सकते मिनटों में आ जाएगा। ये वीज़ा ऑफिसर ने जब हमें ट्रेनिंग दी तो उनका कहना था कि अगर COE आ गई और उसके बाद महीने बाद फाइल लग रही है, तो हम उस फाइल को वीक मानते हैं, और COE भी अगर आपकी लास्ट मिनट पे आई है और फाइल आप बहुत लेट लगा रहे हो, उस फाइल को भी हम वीक फाइल मानते हैं। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपने ये नहीं कि एकदम से फाइल लगा दी, आपको टाइम, जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो भी डेडिकेट होके ऑफर लेटर अप्लाई कर दीजिए, जिससे कहीं पे भी कोई गैप ना पड़े आपका। जी चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है वीना गोयल मैम ने। स्क्रीन पे नंबर है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात करें, और आप इंडिया के किसी भी हिस्से से जूम मीटिंग के जरिए भी और जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।